इलायची के पापा। अरे वो मोती ना मिल रहा है, पूरा घर छान मारा मैंने। अपने भाई छटकी की जेब में देख, जब भी कोई चीज इस घर से छूटती है ना, कहीं ना मिलती, ढूंढते रहो तो तेरे भाई की आंटी में जाकर मिलती है वो। ओहो चटंकी भैया की खिंचाई करने का बहुत मौका मिल जाएगा तुम्हें, फिलहाल तो तुम मोती ढूंढवा दो। देखो मुझे क्या लगता है, पूरे घर में मैंने छान मारा तो वहां तो नहीं है, तो कहीं दुकान में तो ना गिरी। चल तेरी ये भी इच्छा पूरी कर देता हूँ, तू इधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ। चल हाँ। तेरा भी ना अपना ही एक अलग ही सुर रहता है। बहुत बढ़िया पापा, मतलब ऐसे योगा करते रहो सुबह सुबह तो उन ना घर के अंदर घुस जाएगी। अरे ये योगा ना है, ये खोजा है, खोजा मोती खोजा। तेरी माँ के चक्कर में ऐसे आसन में कई बार अपनी जिंदगी में लगा चुका हूँ। अरे तो मुझे क्या पता था कि उस हार का मोती घूम जाएगा, मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजा जी नहीं आए क्या अभी तक? अरे सेठ जी हैं, आराम से आते हैं। प्रणाम सेठ जी। सॉरी सेठ जी, सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। सेठ जी ये हम आपके लिए लाए। दबा के देखे अच्छे हैं। सुन चन चन सेठ जी पंचम। हाँ भोई, मैं ये कह रहा हूँ इस गर्मी में जो है वो तरबूजा खाना चाहिए है? और तू ये आम की पेटी पूरी उठा लाया। मैं इसके पैसे ना दूंगा बता रहा हूँ मैं। भाई इलायची के पापा मुझे तो आम खरीदने से मना करते और खुद पूरी पेटी मंगवा ली है, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मैंने ना मंगवाए हैं। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये हम लाए हैं सेठ जी के लिए और आपके लिए, अपने मन से लाए। क्या बात कर रहे हो, मतलब इतने महंगे आम आप पापा को गिफ्ट करने वाले हैं? जी कितना ध्यान रखते हैं यार आप मेरे पापा का, मतलब ये काम तो ना कोई बहुत ही अपना समझदार वफादार और बहुत ही स्मार्ट गुड लुकिंग बंदा ही कर सकता है ना पापा। सुने लाजी नहीं, फिर से तू इसकी तनख्वाह बढ़वाने का चक्कर में तो ना रच रही है। अरे नहीं नहीं सेठ जी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं बताती हूँ पापा, वो क्या है ना कि जीजा जी आपको मुझे अपना मानते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए हम सबके लिए आम लेकर आए। पूरी की पूरी पेटी ले आया है, मेरी तनख्वाह से तूने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। ये बता ये पैसे आए कहाँ से? आप सेठ जी आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? अरे जी जी काम कर रहा है हमारे लिए, एक नींबू पानी लिया फटाफट। अरे क्या बात है यार भाई, आपकी पेटी यार यकीन ना मानेगा जी जी, तो मेरी मन की बात पढ़ लेता है कसम से बता रहे हैं। मैं भी रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि मैं आम कब खाऊंगा, बताओ तू बगल में पूरी पेटी दबा के बैठा हुआ है यार, बड़ा चालाक आदमी लगी हो। ये बताओ तुझे आम की तरफ देख मत, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तू आम की तरफ देखेगा ना गौर से इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। देखा जी जी इस आदमी ने छोटी बात कर दी है, अरे कैसा आदमी है यार मेरे। अरे एक आम दे दे यार, वैसे भी ये पूरी पेटी तू हजम ना कर पाएगा, पूरा पेट खराब हो जाएगा, बात को ना समझ रहा तू हमारी यार। मेरे एक दे दे आम यार, मैं खाने को दे। अबे आम खाते खाते जाए मैं मर जाऊं। हाँ, लेकिन तुझे एक आम ना दूंगा, और तेरी औकात जो है आम खाने की ना है, सिर्फ केला खाने की है, वो ही जाकर खा।
इसमें से तो तुझे आम की गुठली भी ना मिलेगी। चल ना, भाग। ऐसे ना निकाल पाओगे तुम हमें। खैर अभी तो जा रहे हैं। बदतमीज आदमी नहीं तो। हाँ ये रख दे। एक काम के लिए मेरे भाई को इतना सुना दिया, मेरे तो भाग ही फूट गए। तू को खा रही है तू? नमस्ते मैडम जी। चुप रहो। अब इतने मजे से बैठे मूंगफली छील रहे, यहाँ पर हम इतने परेशान हो रखे हैं। छिड्डो जी, पिंकी जी पूछ रहे हैं कि आपको दिक्कत क्या है, मतलब आप परेशान हो रखे ये दिक्कत है, या पिंकी जी हम मजे से बैठे मूंगफली छील के ऐसे खा रही है ये दिक्कत है? पिंकी जी हम ना मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है, हम परेशान है, बता रहे ना आपसे, एक काम है हमारा जो पूरा नहीं हो रहा। ना ना ऐसा मत कहिए ना, ना पिंकी जी ने आपका ब्लाउज कल ही रेडी करके आपको दे दिया, गलत बात मत कीजिए एकदम। आपको ब्लाउज के अलावा कुछ सोचता है कभी? हम ना ब्लाउज की बात नहीं कर रहे, वो दरअसल हमने हमारा एक हार दिया था करू को पहनने के लिए, उसे शादी में पहनना था, मोतियों का हार है, अब जब उससे मांगने जाते हर बार मना कर देती, कोई ना कोई बहाने से टरका देती हमको, हमको समझ में नहीं आ रहा वैसा क्यों कर रही है। अरे छिड्डो जी आप एक पुलिस अफसर की बीवी हो रखी है, उसका फायदा क्या अगर आप अपना एक हार ना निकलवा सके, आप मतलब आप किस लायक है फिर? तू किस लायक है? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप किस लायक हो, मैडम जी को ना अब तक नहीं पता है। तुम चुप रहोगे? यही कि ये ना दांत तोड़ के बत्ती से हाथ में दे देंगे। बड़ 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 बड़। आप ना एक काम करो, हमारा हो ना बड़े पुलिस अफसर तो जाओ अपना पुलिसिया धौंस दिखाओ वहां पर और निकलवा हार हमारा। छिड्डो जी वैसे तो ऐसा है कि पिंकी जी अपने इस प्यारे से पेड़ को छोड़ के कहीं ना जाने वाले ना। कैसे हैं आप? हम यहाँ तकलीफ में हैं और आपको पेड़ की पड़ी है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप जाइए हम पेड़ का पहरा दे देंगे, ठीक है? ना ऐसे कैसे, आपको पता नहीं पिंक जी यहाँ बैठे ना गर्मी के पहले आम के पकने का इंतजार कर रही है, कब वो पकेगा कब टुक करके आके पिंकी जी को गोद में गिरेगा, इसलिए पिंकी जी चांस लेने वाले नहीं। और वैसे भी आपको पता नहीं है यहाँ बहुत ऐसे लोग हो रखे जिन्होंने ना ऐसे आँख लगा के रखे वो पिंकी जी के पेड़ पे। अरे यार कहाँ फंस गया, फोन भी ना लग रहा पंचम को कब से। बोलो सा। ये देवगढ़ के आम है ना? हाँ भाई देवगढ़ के आम है, एकदम मीठा ताजा, 600 रुपया डजन है। तुम समझे नहीं, काली रात में काला कुत्ता, ये कोड वर्ड है, इसके आगे की लाइन पूरी कर, बोल जल्दी बोल। अबे एक कई लाइन हम कितनी बार बोले हैं, अभी थोड़ा देर पहले, एक मिनट, देवगढ़ के आम मिलेंगे? काली रात में काला कुत्ता क्यों भौंकता है? ले। अरे वो पेटी तो लड़का लेके गया। कौन ले गया बे? बिल्कुल तुम्हारी तरह वो बैगनी कलर का शर्ट पहना था और यार वही लेके चला गया और उसी में थोड़ा गड़बड़ हो गया। यार क्या यार ये चल का रहा यार? तेरा बुरा टाइम चल रहा है, रुक। क्या खबर है? खबर बहुत बुरी है बॉस, इस गुप्ता ने आम की पेटी किसी और को दे दी। हेलो हेलो हेलो, अरे नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वो एक लड़का आया था वो भी बिल्कुल इनके जैसा बैगनी शर्ट पहना था, उसके साथ एक लड़की थी और वो भी कोड वर्ड इस्तेमाल किया, उसी में हम थोड़ा गच्चा खा गए, गड़बड़ी हो गया। गुप्ता तेरा दिमाग खराब हो गया है? एक बात सुन ले, मैं तेरे भी किसी मंदिर में जाके गुप्तदान कर दूंगा, मुझे मेरी पेटी चाहिए, फोन दे लड़के को। थोड़ा संभाल लो। यस बॉस। कहीं से भी उस लड़के को ढूंढ के लाओ।
हाँ हाँ बॉस, मैं अभी ढूंढने जाता हूँ। अगर मुझे मेरा हीरा नहीं मिला तो तुम दोनों की खोपड़ी खोल कर ना उसमें गुठलियां भर दूंगा आम की। यस बॉस, ओवर एंड आउट, पास आ रही है। मुफ्त का आम खाने में जो है आम का रस और बढ़ जाता है, मजा आ गया। ये इलायची के पापा बिना कहाँ चले गए? कहीं बाथरूम में तो नहीं है? देखती हूँ। इलायची के पापा अंदर हो क्या? इलायची के पापा अंदर हो क्या? इलायची के पापा, इलायची के पापा, तुम यहाँ गुसल खाने में बैठ के आम खा रहे हो? मेरे तो भाग ही फूट गए। कौन सी किताब में लिखा है ये बता दे मुझे दुनिया की, कि गुसल खाने में आम ना खाने चाहिए है? ना, ऐसा तो किसी किताब में ना लिखा है, और ऐसा भी ना लिखा है कि गैस के चूल्हे के ऊपर लेट नहीं सकते। पर मैंने तुम्हें कभी गैस के चूल्हे के ऊपर लेटा हुआ भी तो ना देखा। यार ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसलिए खा रहे हूँ बस। तो फ्रिज में बैठ के खा लेते। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे भी आम खाने का मन कर रहा है। एक काम दो ना इलायची के पापा। किसका, तेरा या तेरे भाई का? अरे तो इतना सारा आम तुम खुद खाए हो ना, एक आम मेरा भाई खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? एक आम के लिए मेरे भाई को तरसा रहे हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। पापा तो आधा पौने इम्प्रेस हो ही गए, और अब बस मम्मी को ना ऐसे कर करके ना थोड़ा बहुत इम्प्रेस करेंगे, और फिर देखना एक दिन ना मम्मी पापा दोनों आपका हमारी शादी के लिए घोड़े पे धक्का देंगे खुद से। लेकिन इलायची जी, उसके लिए पहले हमें आम तो मिलने चाहिए देवगढ़ वाले, वो बंदा कहाँ है? अरे यार डर डरा के ना, मतलब आप ना मेरा मजा ना हमेशा गिरा करते रहना ऐसे प्लीज। अरे इलायची जी डर थोड़ी ना रहे तो, पर अगर मिलने भी तो चाहिए, नहीं मिले तो? अरे मिल जाएंगे ना, कहाँ गए वो भैया? अरे पर ये गुप्ता जी हैं कहाँ? आम चूस रहे हो? हाँ बोलिए। हेलो भाई साहब, वो देवगढ़ वाले आम मिलेंगे क्या? ये बेटा तुम आ गए हाँ? दो मिनट। अरे घर, अरे कहाँ है क्या? आम की, अबे तू एक तो मेरी आम की पेटी उठा ले गया धोखे से, और मुझे पूछ रहा क्या क्या? अरे एक बार कॉलेज छोड़ो। हाँ ये क्या है आप, और आप हमें बोल रहे हैं आम की पेटी के लिए? आप ही ने तो हमें कहा था कि आम की पेटी ले जाएं और पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? कहाँ है आम की पेटी? अरे अरे यार आप छोड़ो, आम की पेटी के लिए आप हमारे साथ हिंसा क्यों कर रहे हैं यार? ऐसे हिंसक इंसान बन रहे हैं आप। अरे यार कैसे नहीं बनेगा, हटो साइड। अरे क्या है क्या अंकल, प्रॉब्लम क्या है? हमने फ्री की पेटी मांगी थी आम की, खुद दी थी ना, तो क्यों जीजाजी को परेशान कर रहे हो ऐसे? मुझे पैसे वैसे चाहिए नहीं, आम की पेटी चाहिए। और भाई साहब अंकल, हम थोड़ी ना बड़ा कर रहे हैं, इतना नाराज होने की जरूरत है? आप पैसे दे देंगे ना आपको? हम दे देंगे। हाँ अगर कल शाम तक हमें वो पेटी नहीं मिली तो हम तुम्हें उड़ा देंगे। हाँ तुम लोग को जिंदा गाड़ देंगे, समझ गए ना? क्योंकि उस आम की पेटी में एक आम में हीरा छुपा हुआ है, वो भी बड़ा बेशकीमती है, समझ गई ना? ये हीरा, आम की पेटी में हीरा, आम की पेटी में हीरा, क्या 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 कर रहा है? हाँ बड़े अजीब लोग हो यार, आम में हीरा कौन रखता है? हाँ हाँ अरे हम छिपाते हैं भाई हा? अब हमको तुमसे सीखना पड़ेगा स्मगलिंग कैसा किया जाता है, है? स्मगलिंग? हाँ वही वही, देखिए आप प्लीज। और सुनो, तुम दोनों कान खोल के सुन लो। सुन रहे हैं। अगर कल शाम को हमको हमारा वो आम का पेटी नहीं मिला ना, तो हम तुम दोनों को उड़ा दूंगा, समझ ना रहे हो? देखिए भाई साहब आप प्लीज चिंता मत करिए, हैंड्स अप इलायची जी, हैंड्स अप। हम आपको वो हीरा ला के दे देंगे, आपकी आम की बेटी आपको मिल जाएगी, प्लीज सॉरी। अरे करना पड़ेगा बेटा, तुम्हारे पुरखे भी करेंगे। ऐसा है ना, अगर तुम नहीं करोगे तो हमको 2 मिनट लगेगा तुम्हारी कुंडली निकालने में। कहाँ रहते हो, का खाते हो, का पीते हो, सारा कुछ समझ ना गए? कल शाम तक हमको ये आम का पेटी चाहिए बस। हाँ हम 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 ला के देंगे आपको, हम लाते हैं कल शाम। हाँ हाँ इलायची जी चलिए यहाँ से।
आखिर मिल ही गया, अब हमको कच्चा आम नहीं चूसना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार, कहाँ फंस गया। लग गया साला। अरे यार, टैंक लगाए लगाए सब पिछवाड़ा लाल हो गया है, हाथ में भी जलन हो रही, क्या करूं कुछ समझ ना आ रहा है। ये ज़्यादा लंबू काम मर गया, ऊपर से मच्छर मुश्किल करे, साड़ी खींचे जा रहे, यहाँ से भी जगह मिलती कुछ से काट लेते। नेटवर्क, अरे यार ये फोन पे भी मरी पड़ गई, एक भी टावर ना आ रहा फोन में। एक डंडी मिल जाए कैसे भी, लंबू को फोन लग जाए साले को फोन में ही घुस के मारेंगे इसकी तो। अरे अरे वाह छिड्डो, तुम पिंकी जी से इतना प्यार करती हो, इतना ख्याल रखती हो तुम। देखो ये देख मंगीलाल, देख पिंकी जी के लिए खाना लेके आई है छिड्डो, खाना। अरे नहीं नहीं पिंकी जी, हाँ। आप गलत फहमी मत पालिए, वो क्या है ना आज दोपहर में हमने बहुत खाना बना लिया था तो सोचा अभी फेंकने से अच्छा है आपको ही खिला दे। अरे ये खाने का डब्बा साइड में रखो, तुम उधर रखो। तुम्हें पता नहीं छिड्डो, पिंकी जी इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट मिशन में जुटे हुए हैं। हाँ अभी ये मंगीला जी, लकड़ी उठा। अच्छा लकड़ी उठा। पिंकी जी हमारे घर में तो गैस है ना, तो फिर ये चूल्हे के लिए लकड़ियाँ क्यों उठा रहे आप। अरे छिड्डो तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें पता है पिंकी जी ना इस पेड़ को बहुत प्यार से पाला है, ऐसे खाद देके पानी देके दिन रात इतना बड़ा ऐसा मजबूत किया है, देखो कैसे आवाज आ रही है। और अब अगर इस पेड़ में कीड़े लग गए ना तो पिंकी जी के सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, तो पिंकी जी क्या करेंगे। अभी ना ये देखिए रखा है यहाँ, इसमें ऐसे रख के इसमें लकड़ियाँ लगा के ना ऐसे पिंकी जी आग जलाएंगे, फिर उस आग के धुएं को ऐसा ऐसा करके देंगे ताकि सारे कीड़े मर जाए। तो खुद भी तो एक कीड़ा है। जी मैं तो ये कह रहा था बिल्कुल सत्य वचन, सही कह रहे हैं आप, धुआं दिखाने से ना कीड़े मर जाएंगे। जीजा ने की साली के साथ मजाक तो साला भड़क गया। जीजा भी बहुत ज्यादा वैसा होगा शायद। क्या ढूंढ रही थी नीचे? मोती ढूंढ रही हूँ इलायची के पापा। इलायची के पापा, छिड्डो का फोन, अब मैं उसे क्या कहूँ, कहाँ है मोती। अरे तूने जानबूझ के तो देख घुमाया ना होगा, यहीं कहीं होगा, ढूंढ ले। इलायची के पापा पूरा घर छान मारा मैंने, अरे इतनी साफ सफाई तो दिवाली में भी ना की थी मैंने, वो इतना सा मोती पता नहीं कौन से कोने में पड़ा होगा। देखो जिया जी इधर की साइड। अबे अबे अरे कहाँ देख रहा तू, कहाँ देख रहा था। जीजा जी मिला। अरे अरे तू ना, अरे तू अब बस आ गई, यहाँ मेरे सर पे बैठ जा। क्या कर रहे हो, उठी उठी। अरे यार, अरे अरे यार, अरे यार सर जी, सारे पेल दिए आपने। ना ना कुछ सजावट के लिए ना दीवार पे टांग दिए। अरे इतने स्वादिष्ट थे कि एक बार मुंह खोला तो मुंह बंद ही ना हुआ, गपा गप पे ले गया मैं। हे भगवान, अब क्या होगा जीजा जी। सेठ जी वो आम की पेटी वापस करनी थी। खाली पेटी वापस करनी थी, खाली पेटी वापस करके क्या नहाने का मग लेके आता। अरे सेठ जी उनमें से एक आम में हीरा था, हीरा असली हीरा। अच्छा जी, आम में हीरा जी, मैंने आज तक जो है आम में गुटली सुनी है भैया, आम में हीरा तो कभी ना सुना। पापा जीजा जी मजाक नहीं कर रहे हैं, जो गुप्ता मैंगो शॉप का ओनर है ना, वो स्मगलर है हीरो का, और उसने जीजा जी को अपना गैंग मेंबर समझ के ना वो पेटी जिसमें हीरा है ना वो आम की पेटी पकड़ा दी, और वो हम यहाँ लिया वही पेटी हमने आपको दे दी। हाँ तो ये बात तूने पहले क्यों ना बताई मुझे। अरे सेठ जी हम आपको ये बात पहले कैसे बताते, वो तो हमें आंटी जी ने छटंकी जी के लिए आम की पेटी लेने के लिए भेजा, और वो जो दुकान वाला था वो हमें धमकी देने लग गया कि अगर हमने वो हीरा वापस नहीं किया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, इलायची के पापा तुमने हीरा खा लिया, मेरे दिमाग ही फूट गए। अब तो सेठ जी ये हीरा सुबह ही निकलेगा। हीरा सुबह क्या निकलेगा,
या चने का दाना ना निकलने आए? चार दिन से कब्ज हो रहा मुझे। लेकिन आपने जो बहुत सारे आम खाए ना, तो शायद ओवर ईटिंग से आपको लूज मोशन हो जाए, है ना? अरे यार जमाल घोटा सरना कर रहा है, आम का बाड़ले अंग एकदम। फिर तो बस एक ही रास्ता है। ए, मेरा पेट काटेगा क्या? सेठ जी क्या बोल रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपका पेट क्यों काटेंगे? फिर क्या काटेगा? हम कुछ नहीं काटेंगे सेठ जी, क्या बोल रहे हैं आप? हम बस इतना कह रहे हैं कि आपके पेट का एक्सरे करा लेते हैं, पता तो चल जाए कि हीरा है भी कि नहीं। हाँ ये आइडिया अच्छा है। मम्मी तब तक एक काम करो, वो गंदे नाले के पास जो गोलगप्पे की रेड़ी है ना, बस वहीं से गोलगप्पा खिला दो पापा को। खिलाएगी क्या गोलगप्पा? मुझे ना खाना गोलगप्पा।